सभी लोग मोहब्बत से जुड़ेंगे और सभी लोग यहां पर कायदे से आज इस टॉपिक को खत्म करेंगे खत्म करने के लिए हम आगे बढ़ेंगे कारण क्या है इस टॉपिक को लेने का बात समझिए कारण क्या है इस टॉपिक को लेने का बात समझिए अगर बात करूं मैं तो आपके प्रसम में आपको अगर बात करी जाए पैटर्न की, की तो आपको पांच क्वेश्चन में, में थोड़ा सा आता है, मतलब आपको क्या करता है थोड़े से क्वेश्चन ऐसे पूछ लेता है जहां पर आपको क्या करनी पड़ती है थोड़ी मेहनत करनी पड़ती तो फटाफट एक बार बता दीजिए क्या आप सभी लोगों को मेरी आवाज आ रही है बिल्कुल आवाज सभी को यहां पर आ रही है कोई दिक्कत नहीं है फटाफट छोड़ेंगे चलिए 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 तो कई अगर बात करें फटाफट यहाँ पर सब लोग सेशन को शेयर करेंगे एक बार और यहाँ पर बिल्कुल यहाँ पर ताजोतरी यहाँ पर क्वेश्चन के साथ मैं हाजिर हुआ पूरे दिन के क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ पर लेकर के क्या हूँ और एक से क्वेश्चन ऐसे लेकर के क्यों पे क्लर्क और पीओ दोनों में काम मेरे भाई आने वाले हैं ठीक है ना तो ज्यादा समय ना लेते हुए यहाँ पे ज्यादा समय ना लेते हुए मेरे भाई यहाँ पर शुरुआत करते हैं आज के सेशन की जहां पर हमने आपको बताया कि हम क्या डिस्कस करने वाले हैं अभी नहीं बताया आइए हम फिर आपको यहाँ पर बता देते हैं मेरे भाई ठीक है ना आज के सेशन में बेसिकली हम यहाँ पर जो आपसे डिस्कशन करने वाले हैं वो हमारा यहाँ पर क्या रहने वाला है 3 digit based थ्री डिजिट बेस्ड अगर हम बात करें यहां पर चाहे वो अल्फा हो या फिर न्यूमेरिक हो और यहां पर आपके पेयरिंग वाले क्वेश्चंस की बात करने वाले हैं और कुछ कंडीशन वाले क्वेश्चंस की बात करने वाले हैं तो होप सो so, आज का सेशन इंशाल्लाह बहुत बढ़िया रहने वाला है मेरे भाई तो जितने भी यहां पर हैं सब राधे राधे नाम लेकर के प्रभु का नाम लेकर के आगे बढ़ चलते हैं और फटाफट -फड़ यहां पर सभी लोगों से बोलूंगा कि जल्दी से यहां पर अगर रक्षाबंधन खत्म हो गया हो तो आइए यहां पर कुछ बातें हम लोग कर लेते हैं मेरे भाई ठीक है ना और आज की बातों में आपको यहां पर बिल्कुल मिलने वाला है यहां पर शानदार आप यहां पर एक ऐसा पर्टिकुलर ट्रिक कहने कह सकते हैं क्वेश्चंस को किस तरीके से उड़ाना है एग्जामिनर करता क्या है आपकी भावनाओं की कदर ना करते हुए आपकी भावनाओं से खेलता है कारण यह है कि क्वेश्चन को हमें पकड़ना होता है बिल्कुल द शॉर्टेस्ट एक एंड से लेकिन वो हमसे कोशिश कराता है कि हम पूरा रूट कवर करके आए वही टाइम वेस्ट हो जाता है सर और मैम कोशिश करना है कि अगर इजी वाला अगर उसने पार्ट हमसे पूछा है इजी वाला अगर उसने पार्ट हमसे पूछा है तो हम वहां पर क्या कर दें एक से लेकर के आपका डेढ़ मिनट तक

पहला क्वेश्चन गाइस आपके स्क्रीन पर ये रहा पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा फटाफट फड़ यहां पर एक बार भैया सेशन को शेयर करना है जितने यहां पर लोग जुड़े हुए हैं एक बार फटाफट फड़ सेशन को शेयर करेंगे और बिल्कुल यहां पर उसके बाद बैटिंग तो करना ही है हम लोग को पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है फटाफट आप इसका आंसर बताइए देखो आंसर आप बताइए फिर मैं बताऊंगा कैसे चीजों को यहां पर कम शॉर्टेस्ट वे से हम यहां पर लॉन्गेस्ट रूट को हम तय कर सकते हैं फटाफट करेंगे बहुत बढ़िया शानदार जबरदस्त बर्थ चलिए आगे बहुत बढ़िया चलिए गई यहां पर आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने के साथ यहां पर सेशन को यहां पर बिल्कुल यहां पर शुरुआत करते हैं बिल्कुल रॉकेट की तरह उड़ाना है मेरे भाई सेशन को तो देखिए क्या कह रहा है पहले प्रश्न में पहले प्रश्न में मेरे भाई क्या कह रहा है जल्दी से फटाफट सब लोग आंसर देंगे एक बार शेयर कर देना वो लोग जो भाग चले गए हैं कह सकते हैं कि पेशेंस जिसके अंदर नहीं था थोड़ा सा हो सकता है टाइम का भी एक अपना एक अलग ही एक मौज है यार है ना टाइम बहुत कीमती है आज के डेट में सब मिल जाएगा लेकिन टाइम मिलना बड़ा ही क्या कह सकते हैं कि न यार बड़ा ही एक प्रॉब्लम वाली बात है इसलिए एक बार जो लोग यहाँ पर आए थे जो चले गए हैं मैं सभी को यहां पर बोलूंगा एक बार जल्दी से उनकी हेल्प करने के लिए एक बार सेशन को शेयर कर देना तो आइए इस यहां पर जानते हैं क्या आपके यहां पर रहे इस क्वेश्चन का आंसर बड़े प्यार से उसने यहां पर क्वेश्चन को बनाया है कहा गया है इफ द सम ऑफ द फर्स्ट एंड लास्ट डिजिट ऑफ नंबर इज इवन चेंज द मिडिल डिजिट ऑफ दैट नंबर टू एट मतलब अगर पहले और आखिरी डिजिट का मतलब अगर पहले और आखिरी डिजिट का समय यहां पर इलेवन है तो ये जो बीच वाली वैल्यू है उसको आपको क्या कर देना है आठ लिख देना है यहां पर अब कितना बन गया नौ सौ बयासी बन गया बोलो क्लियर है बात फिर कह रहा है फिर यहां पर कह रहा है एंड इफ द फर्स्ट एंड द लास्ट डिजिट ऑफ नंबर यहां पर क्या कहा है कि अगर मान लीजिए सम होता तो बीच में आठ कर देते लेकिन अगर ये चीज यहां पर क्या है आपकी ये नौ और दो ग्यारह सपोज करो यहां पर ये इवेन होती उसने यहां पर कहा है तो उसने कहा है इसमें क्या करना है बिल्कुल आप देख सकते हैं बिल्कुल यहां पर आराम से अगर इवन आया तो बीच वाली में आठ करना है अगर यहां पर क्या कह रहा है ऑड आएगा कह रहा है इफ द सम ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट डिजिट ऑफ नंबर इज ऑड इंटरचेंज द फर्स्ट एंड लास्ट डिजिट देन विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर दस फॉन्ट विल बी लोएस्ट बहुत प्यारा क्वेश्चन है कोई भी दिक्कत यहां पर नहीं है फटाफट इसका आंसर देंगे चलिए बहुत बढ़िया

संख्या शुरू होगी जिस नंबर से उस पर फोकस किया करिए आप लोग यहां देखिए आठ पांच कितना हुआ तेरह हुआ तो यहां पर इंटरचेंज कीजिएगा तो यहां पांच आ जाएगा यहां पर आठ नौ दस ग्यारह हुआ मतलब आपको ऑड ही मिल रहे हैं पहले और आखिरी के सम तो यहाँ पर क्या कर देंगे इंटरचेंज यहां पर तीन आ जाएगा मेरे भाई अभी तक जो सबसे छोटी देखी गई है वो दो से शुरू होने वाली देखी गई लेकिन आगे कुछ हो सकता है सर छह दो कितना हुआ आठ और आपका जहां पर मिड नंबर आपका जहां पर दोनों इवेंट होंगे वहां पर मिड कितना आठ हो जाएगा तो सर आपको यहां पर क्या निकालना है दिमाग में रखना लोएस्ट निकालना है तो यहां पर पहली तो छह ही रहेगी ना भाई पहला तो छह ही रहेगा यहां पर देखो पांच इंटरचेंज करोगे सॉल्व सब, सब कर लेंगे। लेकिन कम समय में कैसे करेंगे उस पे बात यहाँ पर बिल्कुल कर लेते हैं हमारा फोकस हमेशा किस पर रहना चाहिए और लास्ट लाइन में क्या पूछा लोएस्ट अब हम लोएस्ट कैसे कर सकते मैंने अभी अभी बताया कि किसी भी संख्या को पहली डिजिट क्या कर पर बताती है छोटी है कौन सी बड़ी है पड़े कभी भी लिखना ना पड़े कैसे करेंगे देखो तुरंत आओ तुरंत बकवास करते हैं यहां पर जैसे मैंने क्वेश्चन स्क्रीन पर देखा मैंने कहा सर पहले और आखिरी को तो जोड़ना ही जोड़ना है नौ और दो तो कितना हुआ ग्यारह कैसा है भैया यहां पर ऑड है तो ऑड में क्या इंटरचेंज होना था बस आप केवल यह लिख लो दो मतलब यह संख्या दो से स्टार्ट होगी क्लियर है अब ये देखा, नौ आठ कितना सत्रह मतलब फिर से इंटरचेंज ये से होगी फिर देखा मैंने यहां पर सर कि यहां पर आठ पांच तेरह या पांच पहले आ जाएगा धीरे 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 देखते गए और आपने बता दिया सर, कि नौ सौ बहत्तर एक ऐसी संख्या होगी जो सबसे लोएस्ट बनेगी मेरे भाई क्यों क्योंकि वो शुरुआत कैसे हो जाएगी दो और यहां पर क्या बीच में सात और यहां पर क्या नाइन ये बन जाएगा इसका यहां पर तोड़ आइए क्लास अगले एक क्वेश्चन पे चलते हैं अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर यह रहा फटाफट बताएंगे बहुत बढ़िया चलिए फटाफट फटाफट बताएंगे फटाफट एक बार जल्दी से को मेरे मेरे जितने भी यहां पर साथी लोग जुड़े हुए हैं शेयर शेयर कर देंगे फटाफट एक बार शेयर करेंगे मेरे भाई ठीक है और हमेशा की तरह फिर से हम लोग तो इस बार साढ़े तीन सौ जाएंगे मानता हूं लेट हो गया लेकिन आप पूरा मेरा साथ दोगे मुझे आप सभी पर भरोसा है मेरे भाई क्योंकि शुभम सर आपके साथ रहने वाले हैं आपको आर और, और जो भी एग्जाम आप यहां पर तैयारी कर रहे हैं सबकी तैयारी करने वाले मेरे भाई ठीक है ना इस लायक बनाने की कोशिश कर रहा हूं कि लोग तुम्हारा नाम फेसबुक में ना सर्च करके कहां सर्च करें मेरे भाई गूगल में सर्च करें तो इसके लिए बिल्कुल हमारा और आप मिशन में लग जाएंगे हम आपके लिए आप हमारे लिए आइए गाइस बात कर लेते हैं व्हाट वुड बी द थर्ड बहुत प्यार से समझना है व्हाट वुड बी द थर्ड हाईएस्ट नंबर ऑब्टेंड आफ्टर सबसे टू फ्रॉम एवरी ऑड डिजिट ऑफ द गिवन सीक्वेंस एट एडिंग वन टू एवरी इवन डिजिट ऑफ द गिवन सीक्वेंस एंड देन इंटरचेंजिंग फर्स्ट डिजिट थर्ड इज एड आपको यहां पर बहुत ही बेहतरीन तरीके से दो बातें उसने कही हैं। क्या कही है? समझना दिए गए अनुक्रम में प्रत्येक विषम अंक से दो आपको घटाना है और दिए गए अनुक्रम में सम जो मतलब समझे होता है उसमें एक जोड़ना है हमेशा क्या क्या, क्या करो यह बात कभी कभी भूल जाता है आदमी जल्दबाजी में तो तुरंत लिखा है मैंने यहां पर ऑट में से माइनस टू करना है और इवन में से क्या करना है यहां पर प्लस वन करना है तुरंत हमने यहां पर दिमाग लिया क्या कह रहा है बाद में फिर यहां पर क्या कह रहा है यहां पर सबसे लास्ट में कहा है सबसे हाईएस्ट नंबर क्या होगा कब जब उसने बीच में एक बात और बोली है ऐसा करने के बाद एक बात और बोली है कि पहले और तीसरे मतलब यहां पर कह रहा है यहां पर पहले और तीसरे को आपस में क्या करना है इंटरचेंज भी करना है सोचो एक बात बहुत दिमाग लगा के सोचना मेरे भाई ठीक है ना एक बात बहुत दिमाग लगा के सोचना क्योंकि सबसे हाईएस्ट बताना है तो कहने का मतलब ये जो नंबर है आखिरी वाला यही तो आगे जाएगा ना फाइनली देखा जाए यही नंबर तो आगे जाएगा एक्टिविटी करेंगे जो कहा है करेंगे सर यही नंबर तो आगे जाएगा हम यहां पर बात पहले किससे करते हैं आखिरी वाले से बात करते हैं केवल ठीक है ना क्या कहा था यहां पर इवन में प्लस वन, मतलब कितना तीन हो? तीन और कहां पर आएगा सर यहां पर आएगा क्लियर है आठ कैसे है आपका इवन और आठ में प्लस वन करो कितना नौ no, यहां पर आएगा हां, सर आएगा सर पांच कैसे है आपका ऑड क्या करना माइनस टू मतलब तीन कहां पर आएगा इंटरचेंज करेंगे लास्ट में तो यही आएगा ना भाई फिर यहां पर ये ऑड है माइनस टू की जगह तो यहां पर क्या आएगा प्लस वन आएगा ठीक है ना अब यहां पर आपने देखा कि है है इवन इवन नंबर में क्या करना था प्लस वन करना था फोर मतलब कहां पर आएगा पहले आएगा मेरे भाई सबसे हाईएस्ट अभी तक देखा जा रहा है सबसे हाईएस्ट अगर अभी तक यहां पर देखा जा रहा है तो कौन सा यहां पर मिल रहा है हम इस मुद्दे पे यहाँ पर बात बिल्कुल करने वाले मेरे भाई ठीक है ना चलिए मुद्दे पर बात करने वाले हैं तो यहां पर आपने फिर देखा फिर देखा यहां पे कि जो इवन नंबर आपका छे है इसमें प्लस वन करना है मतलब कितना यहां पर सात हो जाएगा और साथ कहां आएगा आगे यही तो कहा था फिर से एक बार गौर से देख लो मेरे भाई कोई भी दिक्कत नहीं है कोई भी जल्दबाजी नहीं है बहुत आराम से शिद्दत के साथ यहां पर देख लो फटाफट बताएंगे कौन सा आंसर हो रहा है कौन सा आंसर यहां पर हो रहा है बहुत बढ़िया शानदार बहुत बढ़िया तो क्वेश्चन तुरंत देना है तुरंत अटैक करना है जैसे क्वेश्चन सामने आया तुरंत अटैक करना है एनी हाउ मेरे भाई ठीक है ना ठीक है बहुत बढ़िया ठीक है चलिए बहुत बढ़िया मेरे भाई जितने लोगों ने यहां पर आंसर दिया है अब मैं सभी से एक ही बात यहां पर कहना चाहूंगा जितने लोगों ने यहां पर आंसर दिया है मैं सभी से यहां पर एक ही बात कहना चाहूंगा मेरे भाई क्या कर रहे हो क्या कर रहे हो यहां पे मैं ये कहना चाहता हूं आप सभी लोगों से कि आखिर आप कर क्या रहे हो इस क्वेश्चन में।, में मेरे भाई ठीक है ना तो इस क्वेश्चन में आप यहां पर कर रहे हैं आइए इस पर हम लोग बात कर लेते हैं भाई क्वेश्चन समझ तो लो पहले यार कह रहा है यहां पे डिजिट से जो आपका यहां पर ऑड डिजिट है ठीक है ना ऑड डिजिट है जैसे कि नौ सौ बहत्तर में एक ले लेता हूं ठीक है तो मतलब नौ सौ बहत्तर है तो कितना सात सात हुआ 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 बोलो बोलो हां हां सर सर कैसा है है दो पाँच हुआ? बोलो आपका दो है आपका आपका ऑड माइनस पांच इवन दो मतलब प्लस वन तीन हो जाएगा तो कहने का मतलब तीन कहां आ जाएगा यह तीन कहां पर आ जाएगा पहले आ जाएगा नहीं आ जाएगा हां सर आ जाएगा बोलो आएगा कि नहीं आएगा अब फिर समझना फिर समझना बड़े प्यार से बड़ी गंभीरता से मेरे भाई गलती बिल्कुल नहीं करना है अब नौ सौ अड़तीस को मान लो ले लिया यहां पर 938 में आपने 9 देखा यहां पर क्या नौ आपका है मतलब क्या हो माइनस टू मैं करके दिखा रहा हूं आप. अब आठ आपका क्या है यहां पर, Even, मतलब यहाँ पर प्लस वन नौ आ गया तो भाई इंटरचेंज भी तो करना है इंटरचेंज भी तो करना है तो यहां पर क्या हो जाएगा यहां पर आपने देखा नौ पहले आ जाएगा आएगा नहीं आएगा यहां पर आएगा या नहीं आएगा अब आपको जब पता चल गया जब तीसरी उच्चतम संख्या की बात यहां पर वह कर रहा है तो सिंपल सी बात है यहां पर जो पहला सबसे आया वो नौ वाला आया पहला कौन सा है सबसे बड़ा नौ वाला आया अब दूसरा सबसे बड़ा यहां पर कौन आएगा मेरे भाई ये आएगा और तीसरा सबसे बड़ा कौन आएगा छह सौ बानवे आएगा मतलब आंसर हमारा यहां पर क्या हो जाएगा यह हो जाएगा मैं फिर से बोलूंगा मैं फिर से बोलूंगा बार बार बोलूंगा कि आपको ऐसे प्रश्न में क्या करना है लिखना बिल्कुल भी नहीं है लिखना बिल्कुल भी नहीं है आपने तुरंत यहां पर क्या किया उसकी कंडीशन समझी अब देखो मैंने क्या किया दस कंडीशन में मैंने बस इतना करना है सर कि इस बात का ध्यान रखना है और फिर मैंने यहां पर क्या किया मैंने यहां पर यह किया कि लास्ट वाला नंबर आ, फाइनली जो हो रहा है वो क्या हो रहा है पहले में आ रहा है कि नहीं आ रहा है हाँ सर पहले में आ रहा है तो ये जो दो है आपका चूंकि इवन है और इवन में प्लस वन होना है तो भाई ये दो में यहां पर तीन आएगा कि नहीं आएगा अरे डंके की चोट में आएगा ये आठ आपका इवन है कि

भाई आज सब रक्षाबंधन ही मना रहे हैं क्या आखिर मतलब लोग हैं कहाँ यार मतलब आज यार आप लोग को जितने 148 लोग देख रहे हो यार शुभम सर का सपोर्ट तो बनता है ना मेरे भाई है ना तो जल्दी से एक बार सब लोग यार दस सेकंड के लिए बाहर जा करके फटाफट एक बार सचिन को शेयर कर दो मेरे भाई और अगर पसंद आ रहा है तो थम्सअप करना है मैं आपको वही बता रहा हूँ कि आप क्या करते हैं एग्जामिनर आपको लॉन्ग कट देता है आप जो पढ़ते जाते करते जाते लेकिन मैं मैं क्या करता हूं मैं लास्ट लाइन को पहले पकड़ता हूं आखिर लास्ट में क्या पूछा है अगर उससे कुछ शॉर्टकट बन सकता है तो जरूर बनाएंगे ठीक है ना तो चलिए फटाफट यहां पर जुड़ेंगे चलिए आईबीपीएस पीओ नोटिफिकेशन आउट बहुत बढ़िया शानदार चलिए फटाफट -फड़ बताएंगे आंसर क्या हो जाएगा चलिए जल्दी से बताएंगे इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में कह रहा है इफ ऑल द डिजिट्स आर अरेंज्ड इन डिक्रीजिंग ऑर्डर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट विद इन द नंबर मेरे भाई क्या करना है संख्या के अंदर ही जितने भी नंबर है उनको क्या करना है डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है मतलब बड़े से छोटा पहले कौन आएगा चलो ये काम कर लिया फिर कहता है दस फॉर्म आर अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर फ्रॉम राइट टू लेफ्ट जब ये आपका ऐसा कर लेंगे तो आपको क्या करना है राइट टू लेफ्ट आपको ऐसे अरेंज करना है कैसे यहां पर अरेंज करना है इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है मतलब कहने का छोटा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा समथिंग एल्स समझ आई बात की नहीं आई फिर क्या पूछे देन विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर विल बी सेकेंड फ्रॉम लेफ्ट एंड पूछा यहां से है पूछा यहां से है क्या करूं पहले मैं यहां पर आइए उस पर हम लोग यहां पर चर्चा कर लेते हैं मेरे भाई आप क्या करो मैंने फिर से बोला आप क्या करो मेरे भाई यहां पर तो पहले अंदर लगाना है तो सबसे बड़े नंबर को पकड़ो सबसे बड़ा नंबर यहां पर कौन है नाइन मेरे भाई यहां पर सबसे बड़ा कौन है नाइन फिर यहां पर सबसे बड़ा कौन है नाइन क्योंकि वो तो नंबर के अंदर जब आप जाओगे तो सबसे बड़े नंबर को पकड़ोगे यहां पर कौन है आठ यहां पर कौन है मेरे भाई नौ यहां पर कौन है छह बोलो है कि नहीं जब ये हो गया जब ये हो गया अब वो कह रहा है यहां पर कि इस प्रकार जो बनी नहीं व्यवस्था है उसको दाएं से बाएं लगाना है मतलब यहां पर राइट टू लेफ्ट लगाना है वो भी कैसा लगाना है सर बढ़ते क्रम में लगाना है इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है और मेरे भाई जब इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है पूछा क्या है बाएं छोर से दूसरा जब तुम इंक्रीजिंग लगाओगे मेरे भाई पांच ही ना कितने नंबर है छह नंबर है तो आप यहां पर छोटा फिर उससे बड़ा उससे बड़ा हम एक काम करें ना हमें यहां चाहिए तो हम बड़ा लगा लेते हैं फिर यहां पर उससे जस्ट छोटा लगा लेते हैं तो सोचो नौ कितनी बार आया चार बार आया नहीं है तो अब यहां पर तुरंत तुमको दिख जाएगा डिक्रीजिंग ऑर्डर कहना तो नौ सौ बहत्तर ये हुआ संतानवे हुआ यहां पर आठ आएगा क्योंकि डिक्रीजिंग ऑर्डर लगाना था यहां पर क्या आएगा नौ के बाद आठ आएगा यहाँ पर, आ, आपको फिर नौ के बाद लगा रहा हूं मैं लेफ्ट टू राइट लगा रहा हूं यहां पर क्या लगा रहा हूं डिक्रीजिंग ऑर्डर लगा रहा हूं कोई दिक्कत नहीं बात तो बराबर है तो यहां पर अंठानवे यहां पर अंठानवे पूरा नंबर बना लो आएंगे तो यही पहले दूसरा सबसे बड़ा कौन है नौ यहां पर तेरासी आ रहा है और यहां पर 985 सबसे पहले 985 और दूसरा यहां पर क्या आएगा 983 मेरे भाई आंसर क्या बना 938 आंसर यहां पर बन गया 938 यहां पर आंसर बन गया मेरे भाई ठीक है ना चलिए आगे बढ़े आगे बढ़े गलत हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है भाई भाई आईबीपीएस पीओ आ चुका टेंशन लेने की जरूरत नहीं है बस आप तैयारी करते जाओ मैं आपको क्वेश्चन थोड़े से टेढ़े लेकर के आया हूं ताकि यहां पर जो आपको क्वेश्चन पीओ लेवल पर मिलते हैं आप उस पर काम कैसे कर सकेंगे अब सोचो मेरे भाई एक बात सोचना छोटी सी बात है लेकिन फोकस जरूर करूंगा यहां पर देखो जब उसने कहा था कि आप संख्याओं के अंदर क्या करो उसको डिक्रीजिंग ऑर्डर लगाओ तो शुभम सर ने यहां पर क्या किया केवल उस संख्या के सबसे बड़े को सबसे पहले लिया सबसे बड़े को सबसे पहले लिया अब कहता है कि उसको जो आ गया अब ल, राइट टू लेफ्ट लगाओ इंक्रीजिंग ऑर्डर में और उसके बाद बताओ कि आपका राइट से राइट लेफ्ट से दूसरा क्या होगा तो मैंने कहा यार इंक्रीजिंग ऑर्डर लगाएंगे तो ज्यादा कुछ हमें बवाल करना पड़ेगा हमें काम करते हैं डिक्रीजिंग लगा लेते हैं तो शुभम सर ने तुरंत देखा कि नौ जो सबसे बड़ा है कौन जिसकी नंबर की शुरुआत सबसे पहले बड़े से हुई है तो ये भी था यह भी था यह भी था यह भी, भी था फिर मैंने दो दो नंबर लिए फिर संतानवे अंठानवे अंठानवे छियानवे फिर मैंने कहा अठानवे अठानवे सेम हो गया अंता फिर मैंने उनको और पोस्टमार्टम किया तो नौ निकला दूसरा नौ निकला तो नौ सबसे पहले नंबर पर यहां आएगा और दूसरे नंबर पर नौ सौ यहां पर आएगा जो कि क्या नाइन है मेरे भाई ठीक है ना चलिए आगे बढ़ जाए लास्ट वाले क्वेश्चन पे आ जाते हैं उसमें शायद कुछ बता रहे हैं कुछ इशू आया हाँ लास्ट वाले क्वेश्चन पे आ जाते हैं क्या आप कह रहे थे यहाँ पे व्हाट वुड बी द थर्ड हाईएस्ट नंबर ऑफ आफ्टर सब्सरेक्टिंग सेकंड फ्रॉम एवरी ऑट डिजिट ठीक है मेरे भाई ऑफ द गिवन सीक्वेंस एंड एडिंग टू एवरी इवन डिजिट ऑफ द गि सिक्वेंस एंड एन इंटरचेंज फर्स्ट डिजिट विद थर्ड डिजिट भाई क्या दिक्कत आ रही है इसमें क्या दिक्कत आ रही है मेरे भाई ठीक है मैंने यहाँ पर आपको क्या बताया था मैंने आपको ये बताया था कि यहाँ पर वो क्या कर रहा है आपसे कि पहले ऑड

क्या है? ये टू है तो टू आपका जब क्या है यहां पर अच्छा टू आपका यहां पर सॉरी ये मिस्टेक हुई यहां पे इवन इवन है और है प्लस जब करोगे तो यहां पर कितना आ जाएगा थ्री आ जाएगा ये कहना चाह रहे थे यहां पर ना और छह प्लस वन करोगे सात आ जाएगा तो क्या पूछा है फिर उसने यहां पर उसने फिर यहां पर कहा था कि तीसरी उच्चतम संख्या तो ठीक है मेरे भाई तो नाइन थर्टी एट अगर नाइन जो है आपकी सबसे पहले सबसे बड़ी हो जाएगी ठीक है फिर उसके बाद यहां पर सात दूसरे नंबर की हो जाएगी बड़ी ठीक है ना अब हमें तीसरी बड़ी चाहिए थी है ना तो नौ हो गया सात हो गया सात के बाद मेरे भाई यहां पर क्या आ जाएगा ये आ जाएगा सो सॉरी ऑफ यू यार, ये आ जाएगा कोई बात नहीं कंसर्ट वहां पर हमारा सही होना चाहिए ये आपका आठ आ जाएगा ठीक है अभी सही है अभी से यहां मैं समझ गया छह सौ बानवे में पहले तीन आएगा वो बाय मिस्टेक पता नहीं लिख गया कोई दिक्कत नहीं है लेकिन अभी आंसर यहां पर मैंने बता दिया क्योंकि थर्ड हाईएस्ट पूछ रहा है तो सबसे पहला हाईएस्ट ये हो गया दूसरा हाईएस्ट हमारा ये हो गया और तीसरा हाईएस्ट फिर हमारा कौन सा बचा आठ सौ पचानवे ठीक है चलिए गाइस आगे बढ़े अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर यह रहा मेरे भाई ठीक है चलिए इसका आंसर देंगे इसका आंसर देंगे फटाफट इसका आंसर देंगे सारे लोग भाई सब नोटिफिकेशन देखने निकल गए क्या हाँ सब लोग यहाँ पर नोटिफिकेशन देखने निकल गए लेकिन कोई बात नहीं आना तो यही पड़ेगा मेरे भाई ठीक है आना तो यही पड़ेगा लेकिन आज बहुत ही शानदार क्वेश्चन मैं लेकर के आया हूँ उम्मीद करता हूँ कि आप बिल्कुल अरबी पी ओ लेवल तक आप यहाँ चीजों को कर पाओगे ठीक है ना आइए फटाफट यहाँ पर बात करते हैं फटाफट बताइए इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा फटाफट इस प्रश्न का आंसर ये बिल्कुल प्रश्न आपको तुरंत बताना है कह रहा है मैं लिख देता हूं नंबर नाइन वन देखते साथ उड़ाने वाला दस सेकेंड से कम का क्वेश्चन है लेकिन अगर उलझोगे तो लज जाओगे लेकिन शुभम सर बताएंगे उस ट्रिक से चलना कभी नहीं उलझोगे कभी नहीं उलझोगे मेरे भाई आइए जल्दी से बताएंगे चलिए फटाफट बताएंगे फटाफट बताएंगे यहां पर फटाफट बताएंगे कह रहा है नाइन वन टू सेवन वन यहां पर कह रहा है भाई बहुत प्यार से समझना इफ द पोजिशन ऑफ फर्स्ट डिजिट फर्स्ट डिजिट ऑफ द नंबर इंटरचेंज फिफ्थ फिफ्थ डिजिट डिजिट कौन सी One, two, three, four, five. मेरे भाई ये दोनों आपस में इंटरचेंज करेंगे मुझे मजा आ गया बहुत बढ़िया लेकिन मैंने क्या कहा मैं करता क्या हूं मैं लास्ट की लाइन पे जरूर जाता हूं मैं लास्ट लाइन पे जब गया तो वहां पर क्या पूछा है? मैंने कहा फाइनली पूछा है क्या विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द सेकेंड डिजिट फ्रॉम द राइट मेरे भाई आपको फाइनली जब आप रीअरेंजमेंट हो जाएगा इसका तो आपको राइट से दूसरा बताना है कौन सा होगा मेरी निगाहें केवल आप पांच वाले पे गई क्या कहा है प्रश्न अब मैं प्रश्न में गया अब मैं प्रश्न में गया भाई अब मैं जब प्रश्न में गया तो वहां पर कहा है कि यहां पर संख्या के पहले और पांचवें अंक को आपस में इंटरचेंज करना है मैंने कहा बहुत बढ़िया उसी तरीके से दूसरे और छठे को आपस में इंटरचेंज करना है मैं कहा और बढ़िया फिर कहता है इसी प्रकार आगे भी करो मेरे भाई मैंने अपनी इन फिंगर्स को पकड़ा मैंने इन फिंगर्स को लगाया क्वेश्चन पे गया मैंने क्वेश्चन पे रखा वहां पर फिंगर नाइन से सीधे कंपेयर किया किसका किससे चेंज हो रहा है तो देखा सर यहां पर वन से चेंज हो रहा है सर आपका जो वन है अब तो अगला वाला वो अगले से हो रहा है मतलब फोर से हो रहा है ये जो दो होगा वो कहा जाएगा यहां आ जाएगा और हमें चाहिए क्या केवल यही चाहिए आंसर यहां पर क्या बन जाएगा दो बन जाएगा सो आंसर विल बी वॉट हियर आपका सेकेंड मतलब डी विकल्प बिल्कुल सही आंसर बनेगा उम्मीद करता हूं समझ पा रहे हो देखते साथ उड़ाना है देखते साथ उड़ाना है वेरी गुड अगला प्रश्न आने वाला है आपके स्क्रीन पर आंसर बताएं क्या हो जाएगा आंसर बताएं क्या हो जाएगा फटाफट बताएंगे ये क्वेश्चन बहुत प्यारा है ये क्वेश्चन बिल्कुल प्यो लेवल है प्योर प्यो लेवल है मेरे भाई जल्दी से क्वेश्चन अगर समझ आ रहे हो तो एक बार थम्सअप तो बनता है मेरे दोस्त जितने लोग यहां पर सेशन को देख रहे हैं शुभम सर के नाम मेरे भाई ठीक है ना चलिए आईबीपीएस पीओ के नाम मार दो मेरे भाई ठीक है ना वो तो आ ही गया वो तो अपन बाद में देख लेंगे प्रैक्टिस जरूरी है अभी है ना चलिए चलिए फटाफट फटाफट बताएंगे आंसर वेरी गुड सबका आंसर लास्ट वाले क्वेश्चन के लिए बिल्कुल अद्भुत था शानदार था जबरदस्त था मेरे भाई ठीक है ना चलिए जल्दी से बताएंगे जल्दी से बताएंगे मेरे भाई बहुत बढ़िया शानदार दिल जीत लिया आप लोगों ने लेकिन इस क्वेश्चन में मजा आने वाला है इस क्वेश्चन में मजा आने वाला है चलिए बहुत बढ़िया शानदार बहुत ही बढ़िया उमदा मैं टाइम दे रहा हूं मैं आपको टाइम दे रहा हूं आराम से करो कोई डिस्टर्बेंस नहीं मैं पूरा पूरा टाइम दे रहा हूं ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही ट्रिकी है चलिए फटाफट बताएंगे इफ द सम ऑफ द हाइएस्ट एंड द लोएस्ट नंबर इज डिवाइडेड बाय डिफरेंस देखो मेरे भाई सम कर लो आ, किसका लोएस्ट का हाइएस्ट का तो सबसे ज्यादा जो हाइस्ट वो नाइन सेवेंटी टू हा 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 नाइन सेवन टू ठीक है भाई 972 और यहाँ पर सबसे लोएस्ट कौन है 536 थर्टी सिक्स मेरे भाई लाइंस लगाएगा है क्या यहां पर छः दो आठ सात तीन दस हाथ से लगा एक नौ एक दस दस पांच पंद्रह पंद्रह सौ आठ आया फिर कहता है बाई द डिफरेंस ऑफ द थर्ड हाईएस्ट एंड थर्ड हाई एं लोएस्ट मेरे भाई अगर आप देखो यहां पे तो थर्ड हाइएस्ट यहां पर कौन बन रहा है ये बन रहा है हाँ सर बन रहा है तो आठ नौ पांच और यहां पर थर्ड लोएस्ट कौन बन रहा है आठ छह तीन बन रहा है यही तो है ना मेरे भाई ठीक है ना सॉरी थर्ड लोएस्ट का छह सौ पांच सौ सबसे पहला फिर छह सौ बानवे हाँ बिल्कुल सही है अब इनका डिफरेंस इनका डिफरेंस जब मैंने निकाला तो यहां पर पांच में तीन गया तीन नौ में छे गए यहां पर तीन और कितना बचा यहां पर बोलो बचा कि नहीं बचा जल्दी से बताएंगे बचा कि नहीं बचा हाँ वेरी गुड बहुत बढ़िया 377 सेवेंटी यहाँ पर लोग आंसर लेकर के अपना आ रहे हैं 377 लोग यहाँ पर आंसर लेकर के आ रहे हैं फटाफट -फट यहाँ पर मैं बोलूंगा फटाफट -फट मैं यहाँ पर बोलूंगा क्या कहा था हाँ यदि यहाँ पर क्या बोला था इफ द सम ऑफ हाइएस्ट इफ द सम ऑफ हाइएस्ट एंड द लोएस्ट नंबर इज डिवाइडेड बाय द डिफरेंस ऑफ द थर्ड हाइएस्ट कौन है भैया आठ एंड ड लोएस्ट मतलब कौन सा है आठ सौ तिरसठ इनका डिफरेंस जब इनका दोनों का डिफरेंस लिया हमने यहां पे तो अब डिवाइड करना है 1508 को 33 से डिवाइड करना है मेरे भाई 1508 को अगर 33 से आप यहां पर डिवाइड करेंगे तो यहां पर कितना बच रहा है 1508 को अगर 33 से डिवाइड करेंगे कितना बच रहा है करीबन 45 समथिंग यहां पर बच रहा है मेरे भाई ठीक है ना अब क्या कहा है यहां पे जितना भी यहां पर आ जाए द uh, रिजल्टेंट ज देन मल्टीप्लाइड बाई एट तो यहाँ पर कितना आ रहा है फोर्टी फाइव अगर इंटू एट करेंगे यहाँ पर तो यहाँ पर कितना आठ पैंतालीस कैरी वहाँ पर चार बत्तीस चार यहां पर छत्तीस देखो करीबन यहां पर इतना आ रहा है मतलब तीन सौ साठ करीबन पहुंच रहा है मतलब ये दशमलव में आएगा मैंने आपको पहले बोला था कि जब तैतीस को आप इससे काटोगे तो पैंतालीस दशमलव कुछ यहां पर आपका आने वाला है तो पैंतालीस दशमलव पर 6, 9, यहाँ पर करीबन समथिंग एल्स आएगा तो अब उसका किससे से करना है तो बिल्कुल यहां पर वैल्यू कितनी बन रहेगी तीन सौ सतर पर वैल्यू आपकी बन जाएगी अगर आप यहां पर दशमलव में नहीं लेना चाहते थे तो यहां पर कितना तीन सौ साठ है और तीन सौ साठ के यहाँ पैतालीस दशमलव कुछ आगे तो भाई 360 से क्या होगा ज्यादा ही होगा और ज्यादा यहां पर कौन सा दिख रहा है यहां पर 377 ही दिख रहा है मतलब यहां पर आंसर जो आपका होगा यहां पे डी वाला क्या हो जाएगा डी वाला यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा तो ऐसे क्वेश्चन अगर मैं बात करूं यहां पर तो बिल्कुल कैसे यहां पर क्वेश्चंस आए हां बिल्कुल ठीक है ठीक है हां यहां पर क्या कोई डिफरेंस आ रहा क्या अच्छा 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 जस्ट, रुए, जस्ट, रुए, जस्ट रुए। तो पर डिफरेंस आ रहा है कोई दिक्कत नहीं अगर यहां पर बत्तीस लेते हैं तो शायद कौज है ठीक है ना तो अगर 32 पर ले 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 तो एग्जैक्ट लिया है और अगर थर्टी थ्री लिया था तो वहां फोर्टी फाइव आ रहा था तो यहां पर देख लेते हैं बत्तीस लेकर देख लेते हैं बत्तीस अगर लिया तो यहां पर कितना आ रहा है आपका फोर्टी सेवन पॉइंट वन टू फाइव आ रहा है ठीक है फिर इनटू कितना कर दें तो यहां पर कितना आ जाएगा आपका 377 बिल्कुल यहां पर क्या है सही आंसर है ठीक है ना अगर पॉइंट में नहीं जाना था तो आप यहां पर ऐसा अगर अगर 47 सेवन इंटू कर देते मान लीजिए ना तो आठ सत्य यहां पर छप्पन कैरी वहां पर पांच आठ सौ को बत्तीस बत्तीस पांच यहां पर कितना सैंतीस तो यहां पर कह सकते हैं क्या 300 समथिंग ऐसा छिहत्तर दशमलव कुछ आता तो तीन सौ सतर आंसर यहां पर बिल्कुल क्या है सही है थैंक यू बताने के लिए भाई ठीक है तो चलिए आगे बढ़ जाए आगे बढ़ जाए आगे, बढ़ आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये आंसर बताएंगे इस चलिए फटाफट बताएंगे चलिए फटाफट फ़ड़ बताएंगे गाइस यहाँ पर क्या हो जाए देखो भाई ऐसा होता है ना देखो अगर मैं बात करूँ तो कैलकुलेशन वेलकुलेशन कभी कभी इधर उधर हो जाती है मेरे भाई ठीक है ना बस अपनी दिखती नहीं है दूसरों की दिखती है बस इतना सा फर्क है मेरे भाई ठीक है ना और कुछ भी नहीं है चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं फटाफट बताएंगे कि इफ ऑल द डिजिट्स विद इन द नंबर आर मल्टीप्लाई टू ईच अदर देन हाउ मेनी नंबर दस फॉर्म विल बी लेस देन टू हंड्रेड मतलब कह रहा है कि आपस में जितने भी नंबर्स हैं हर संख्या में जितने भी आपस में डिजिट हैं अगर उनका आपस में मल्टीप्लाई अगर आप कर दो यहां पे तो कौन ऐसी कितनी संख्या है जो 200 से कम होगी मतलब यहां पर क्या 200 से कम होगी मेरे भाई ठीक है ना चलिए फटाफट बताएंगे हाँ ऐसा सबके साथ होता है कोई इसमें ऐसा तूफान और ऐसा वो नहीं है कि नहीं सर ऐसा तो सर है ना <laughs> तो चलिए गाइस फटाफट यहां पर आइए और यहां पर डिस्कस कर लेते हैं जल्दी से क्या होगा क्या नहीं होगा तो आइए यहां पर कह रहा है यहां पर कह रहा है क्या कि अगर जैसे कि यहां पर जितने भी नंबर दिए गए हैं दो से कम देखना रहे मेरे भाई इतना तो हमारा कॉमन सेंस कैलकुलेशन कहता है हमारा कैलकुलेशन कॉमन सेंस इतना कहता है वेरी गुड बहुत बढ़िया ठीक है ना तो यहां पर आप देख पा रहे हैं हाँ ठीक है ठीक है नौ सत्या यहां पर तिरसठ और तिरसठ गुड़ दो करोगे साठ साठ मतलब वहां पर कितना हो गया आपका एक सौ बीस और कितना छब्बीस मतलब दो सौ कम है मतलब हां सर ये काउंटेबल है ठीक है यहां पर अगला बढ़ते हैं यहां पर नौ सत्ताईस सत्ताईस गुड़े अगर आठ यहां पर करने जा रहे हो आप तो बट ऑब्वियस की यहां पर क्या तीन से क्या सत्ताईस गुड़े अगर आठ यहां पर करें आप तो कितना हो गया कैरी वहां पर पांच

आ रहा है क्या आ रहा है यहां पे चार आंसर यहां पर आ रहा है कोई दिक्कत नहीं है थैंक यू सो मच सोनाली शर्मा थैंक यू सो मच तो चलिए इस आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ अगला प्रश्न यहां पर क्या कह रहा है आंसर देंगे फटाफट बताएंगे फटाफट बताएंगे क्या बनेगा आंसर यदि इफ इफ ऑल द लेटर्स आर अरेंज एज पर अल्फाबेटिकल ऑर्डर विद इन द वर्ड देन हाउ मेनी लेटर्स इन द इंग्लिश अल्फाबेट सीरीज आर बिटवीन द मिडिल लेटर ऑफ थर्ड वर्ड फ्रॉम राइट एंड सेकेंड वर्ड फ्रॉम लेफ्ट एंड ठीक है चलिए फटाफट आंसर बताएंगे चलिए बेहतर है चलिए चलिए क्वेश्चन पे आते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन समझिएगा यदि सभी अक्षरों को वर्डवाला के क्रम के अनुसार व्यवस्थित किया जाता है मतलब आपके विद इन वर्ड उसने कहा है शब्दों के अंदर कहा है तो उसने कहा है पर क्या आ, राइट जो अब टोटल कितने हैं यहां पर छः तो यहां पर उसने कहा राइट से आपका ये ठीक है ना और आगे उसने क्या यहां पर कहा है और यहां पर लेफ्ट से सेकंड यहां पर जो वर्ड जो आपके वर्ड आएंगे उसमें यहां पर कहा जा रहा है कि जो भी वर्ड यहां पर आएगा भाई चूंकि तीन तीन लेटर है एक दो तीन यहां पर भी कितना है एक दो तीन आएगा कि नहीं आएगा उसने कहा है इसके मिड लेटर से और इसके मिड लेटर में के बीच अकॉर्डिंग टू इंग्लिश अल्फाबेट कितने लेटर यहां पर आएंगे ये उसने यहां पर कहा हुआ है होप सो क्वेश्चन समझ गया हो गया होगा ठीक है ना तो आइए फटाफट यहां पर बात कर लेते हैं सबसे पहले जरूरी यहां पर क्या था कि अंदर जो आप यहां पर कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं असेंडिंग कर रहे हैं या फिर डिसेंडिंग कर रहे हैं ठीक है ना चलिए हैल्फाबेटिकल ऑर्डर आपको लगाना है मतलब यहां पर क्या असेंडिंग ही कर रहे हैं मेरे भाई ठीक है तो चलिए उसके बाद अगर हम बात करें यहां पे तो बिल्कुल आप देख सकते हैं कि यहां पर अगर सेंडिंग की बात करी जाए तो सबसे पहले यहां पर क्या आएगा मेरा भाई ई आएगा ठीक है यहां पर क्या आएगा अगर आप देखें तो यहां पर के आएगा सबसे पहले और उसके बाद यहां पर क्या एल आएगा ठीक तो है ना तो यहां है पर सर ए आएगा यहां पर आपका क्या आई आएगा और यहां पर क्या आएगा ई आएगा क्लियर है अब क्या करना है अब यहां पर क्या करना है उसने क्या बोला है उसने यहां पर बोला है कि ऐसा जब आपने अरेंज कर लिया ऐसा जब आपने अरेंज कर लिया तो आपका राइट से थर्ड यहां पर कौन हो रहा है राइट से थर्ड आपका ये हो रहा है कि नहीं हो रहा है हाँ, सर हो रहा है आर हो रहा है ए आर ई अब देखो यहां पर क्या करना था इसको अरेंज करना था अल्फाबेटिकली तो ए एर जब करोगे अब यहां पर लेफ्ट से दूसरा आपका कौन है यहां पर पीओके है मेरे भाई ठीक है ना तो यहां पर क्या कर देंगे हम लोग यहां पर पीओके में तो यहां पर पहले क्या आएगा के आएगा फिर यहां पर क्या आएगा ओ आएगा फिर क्या आएगा पी आएगा तो क्या करना है यहां पे इसका जो मिडिल है वो क्या है ई e है मेरे भाई इसका जो है यहां पर ये यह क्या है इसका जो है यहां पर वो है आपका 15 मतलब यहां पर कह सकते हैं ये 5 और ये कितना 15 बीच में कितने लोग हैं क्योंकि आप डिफरेंस अगर देखो तो 5 से 15 दसवां होता है 15 दसवां होता है 15 लेकिन बीच में कितने नौ तो आंसर यहां पर क्या आ जाएगा हमारा 9 बिल्कुल 9 ई यह आंसर यहां पर बिल्कुल सही है ई आंसर यह बिल्कुल यहां पर सही है होप सो so, कि आप यहां पर चीजों को समझ गए होंगे ठीक है ना समझ गए होंगे क्वेश्चन में कुछ नहीं करना था कुछ खास नहीं करना था इवन मैं बता दूं लिखने की भी जरूरत नहीं है कैसे जैसे ही क्वेश्चन सामने आया आपने तुरंत देखा कि उसने कहा था कि भैया यहां पर जो भी आपके वर्ड्स हैं उसमें जितने भी अंदर लेटर हैं उनको आप अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लगा लेना उसके बाद आपको बताना है लेफ्ट से आपका जो थर्ड है ठीक है ना लेफ्ट से जो आपका थर्ड है वो कौन है सीधे चले जाओ इस पर

पर आपका एक कम मतलब पर कितना नौ no. क्योंकि पांच से पंद्रह डिफरेंस कितने का दस लेकिन दसवां कौन ओ oh. तो उससे एक कम करो क्या हो जाएगा आंसर नाइन सो आंसर नाइन विल का वॉट करेक्ट क्लियर है बात अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा फटाफट बताएंगे आंसर क्या हो जाएगा चलिए क्वेश्चंस आपको मुझे लगता है कि थोड़ा सा इसमें आपको मशक्कत करनी पड़ रही है और जिसमें मशक्कत करनी पड़े वही हमारे काम का क्वेश्चन होता है वही हमारा पीओ लेवल होता है और एक बार हमने अगर पीओ लेवल पढ़ लिया ना मेरे भाई ठीक है ना तो क्लर्क वहां पर अपने आप सरलम गच्छामी हो जाता है इस बात को याद रखेगा सरलम गच्छामी हो जाती फटाफट एक बार मेरे भाई शेयर कर दो बिल्कुल नोटिफिकेशन आ चुका है आईबीपीएस पी का मेरे भाई सारे ऑप्शन यहां पर खुलते जा रहे हैं धीरे धीरे और जैसे ही आपने तैयारी यहां पर रखनी है आपको तैयारी कंप्लीट रखनी है ये नहीं सोचना है कि पेपर आएगा या नहीं आएगा हमेशा आप तैयारी कंप्लीट रखिए चलिए फटाफट फटाफट आइए आंसर बताइए इस पर्टिकुलर दिए हुए क्वेश्चन का ठीक है चलिए बी प्रिपेयर कभी भी भाई साहब यहां पर एग्जाम आ जाए हम प्रिपेयर है डेली बेसिस पर आप मॉक लगाते रहिए स्पीड टेस्ट देते रहिए मेरे भाई ठीक है ना तो उससे आपको एनालिसिस करते रहिए एनालिसिस जिस दिन बेहतर हो जाए उस दिन आप अच्छा करोगे आइए सर बात करते हैं कहता है आफ्टर चेंजिंग ऑल द वॉवल्स विद इन द वर्ड ठीक है ना टू देयर आर इमीजिए सक्सीडिंग लेटर मतलब अगर हम बात करें यहाँ पे तो बिल्कुल कह सकते हैं क्या कि सभी स्वरों को उनके अगले अक्षर में बदलने के बाद ठीक है ना तो जितने भी वविल है उनको नेक्स्ट बदल देंगे ठीक है और जितने भी कॉन्सोनेट है उनको पिछले लेटर से यहाँ पर चेंज कर लेंगे कर लिया ऐसा तो कह रहा है इस प्रकार बनी जो भी आपकी श्रृंखला होगी मैं बाएं छोर से चौथे शब्द का अंतिम अक्षर कौन सा होगा यहां पर उसने आपको कहा है तो करना क्या है मेरे भाई करना क्या कुछ नहीं करना है मेरे भाई आपको क्या बोला है लेफ्ट से फोर्थ वन टू थ्री फोर्थ कुछ भी उसके बाद उसने नहीं बोला था अंदर ही चेंज करना है आपको अंदर चेंज अगर करना है तो मेरे भाई यहां पर क्या बोला है कि जो आपका है है उसको अगले से तो मतलब ए आर ई की बात कर रहा है। और क्या कहा है क्या कहा है लेफ्ट से चौथे वर्ड का तीसरा अक्षर यहां पर क्या ई e की बात हो रही है और ई e है ई e का यहां पर क्या हो जाएगा एफ हो जाएगा मतलब आंसर क्या बन जाएगा आपका ए बन जाएगा बोलो क्लियर है ये रहा क्लर्क बेसिस सवाल ये रहा क्लर्क वाला सवाल मेरे भाई ठीक है ना ये रहा क्लर्क वाला सवाल अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा मेरे भाई फटाफट आंसर देंगे ये सबको आता है और ये आना भी चाहिए क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है ये आपके प्रिलिम्स में मिलना ही मिलना है इस बात को याद रखना मेरे भाई ठीक है आंसर बताएंगे पक्की बात है मिलना है मेरे भाई ठीक है बहुत प्यार से देखते हैं कितने लोग यहां पर कितने इसका आंसर दे पाते हैं कितने लोग इसका यहाँ पर कितना आंसर दे पाते हैं फटाफट बताएंगे चलिए बहुत बढ़िया शानदार लाजवाब जल्दी से थम्सअप करेंगे जितने लोग यहां पर अभी देख रहे हैं बस केवल उन्हीं के लिए बोल रहा हूं थम्सअप करेंगे नथिंग एल्स मेरे भाई ठीक है ना हाँ, दीपिका शर्मा लास्ट क्वेश्चन वस टूजी ना ये वाला क्या है इसका बता दीजिए आंसर क्योंकि वो क्लर्क मॉडल पे था लेकिन इससे जो पहले कराए थे उस पर आके बात अगर करें तो वो आपका पीओ लेवल था जरूर जाके अटेम्प्ट करें अगर आप अभी जुड़े हैं तो ठीक है चलिए गाइस ऑल दो शब्द है एक यहाँ पर हाउ मेनी पेयर्स ऑफ लेटर आर देयर इन दर्ड ऑल दो सबसे आसान क्वेश्चन होता है और आप कई क्वेश्चन में एग्जामिनेशन में पूछा जा चुका क्वेश्चन होता है मेरे भाई है ना कॉडेड गाइस तो लेट्स सी गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे तो क्या कह रहा है बहुत प्यार से समझना ठीक है

आपका वन एल का कितना हो गया आपका पर 12 हो गया, का कितना सीधे लिखना है, सीधे लिखना लिखना है, है। एट ओ का पंद्रह यू का मेरे भाई यहां पर कितना ट्वेंटी वन जी का कितना सात और एच का यहां पर कितना आठ भाई साहब क्या करना है सुन लो मेरे भाई क्वेश्चन तो सब समझ में आ गया होगा कैसे करना है वन से जब आगे काउंट किया तो वन के बाद टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन भाई एक पेयर तो ये बन गया बोलो बना कि नहीं बना हां सर बन गया क्लियर है अब आप जहां पर सेवन काउंट कर रहे थे वहीं पर सेवन पाया गया बस यही टेक्निक होती है सर आपको बैकवर्ड फॉरवर्ड दोनों जाके गिनना होता है और फिर वन से यहां पर क्या करेंगे आठ तो बनेगा ही बनेगा हाँ सर बनेगा ट्वेल्व की बात करी जाए तो ट्वेल्व से यहां पर क्या थर्टीन 14, 15, भाई साहब एक तो ये बन गया फिर आगे 16, 17, 18, रुकना नहीं है मेरे भाई ट्वेंटी सिक्स के आगे किन्ना भी नहीं है ट्वेंटी सिक्स के आगे किन्ना भी नहीं है, क्योंकि आपके अल्फाबेट्स में ट्वेंटी सिक्स तक होता है आगे बढ़ते हैं 20 के बाद यहाँ पर 21, 22, 23 मेरे भाई 20 uh, से के बाद 21 उसका दूर है उसके अलावा कुछ है ही नहीं 20 से गिनना वाजी भी नहीं है लेफ्ट जाओगे कुछ नहीं मिलेगा ठीक है आगे बढ़े 8 के बाद यहाँ पर क्या 9, 10, 11, बारह कुछ नहीं मिला अब लेफ्ट चलो 8 के बाद 9, 10, 11 कुछ नहीं मिला पंद्रह के बाद सोलह सत्रह अठारह उन्नीस कुछ नहीं मिला पंद्रह के बाद सोलह सत्रह अठारह कुछ नहीं मिला ट्वेंटी सबसे बड़ा है कभी उसके आगे ना पीछे गिनना मत मेरे भाई बड़ा भाई है वो कभी भी उसमें शक मत करना ठीक है ना अब यहाँ पर सात सात के बाद यहाँ पर क्या आठ फिर बना मेरे भाई समझना यहां पर अब यहां पर बात करी जाए तो जैसे आपने राइट गिना वैसे लेफ्ट में सेवन गिन लिया सेवन के बाद यहां पर एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व मेरे भाई एक यहां पर आपको मिल गया ट्वेल्व बना अब लास्ट में बचा आठ आठ का नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सियावर रामचंद्र की जय मेरे भाई कितना पेयर बना एक पेयर ये बना दो पेयर बना तीन पेर ये बना चार ये बना चारे भाई मैं आपको बता नंबर के लिए आप बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल रहते हो इस बात को याद रखना रेदर देन लेटर्स रेदर देन लेटर्स ये बात को याद रखेगा ठीक है ना तो बेहतर रहेगा कि आप ऑल दो क्योंकि ये सबको आना चाहिए वहां पर पेपर के पीछे आप लिख लो कि ए का वन होता है बी का टू होता है इससे शर्म की बात तो मेरे भाई कुछ हो ही नहीं सकती तो वहां पर ऐसा कुछ मत करना इनकी प्लेस वैल्यू को रट लेना मेरे भाई आनी चाहिए और बस आंसर है यहां पर कितना बन गया भाई फाइव आंसर बिल्कुल सही बन गया अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा फटाफट बताएंगे अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा फटाफट आंसर बताएंगे क्या होगा इस प्रश्न का आंसर मेरे भाई ठीक है चलिए हां ए दीपिका बिल्कुल सही आंसर आप सभी का बहुत बढ़िया शानदार ए बिल्कुल कंफर्म आंसर है ए बिल्कुल कंफर्म आंसर है फटाफट बताएंगे फड़ फड़ से सेशन को शेयर दे नोटिफिकेशन देख करके आ गए तो एक बार जल्दी से सचिन को शेयर कर देंगे और जितने क्वेश्चन बचे हैं वो भी अच्छे बचे हैं आईएस में बैटिंग करते हैं मेरे भाई क्वेश्चन क्या कह रहा है यदि सभी संख्याओं को यदि सभी संख्याओं के अंकों को दाएं से बाएं संख्या के भीतर बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया जाना है ठीक है ना तो इस प्रकार बनाई गई संख्याओं को बाएं से दाएं क्रम में अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाना है मतलब पहले अंदर आप क्या करो वहां पर अरेंजमेंट करो और जब बन जाए तो उसके बाद आपको बाहर फिर अरेंजमेंट करना है नंबर संख्याओं में ठीक है ना तो कह रहा है बाएं से तीसरे संख्या के दूसरे अंक और दाएं छोर से चौथी संख्या के तीसरे अंक का योग यहां पर क्या होगा मेरे भाई ठीक है ना चलो सबसे पहली बात यहां पर कर लेते हैं क्या कहना है वो हमसे चाह रहा है ठीक है चलो जब आप इसको अरेंज करोगे जब आप इसको कोई भी संख्या को जब आप अरेंज करते हो क्योंकि यहां पर क्या करना है आपको यहां पर करना क्या है करना क्या है राइट टू लेफ्ट आपको यहां पर बढ़ते क्रम में लगाना है। मतलब यहां पर जब आप राइट right से लेफ्ट की तरफ बढ़ते क्रम लगाओगे इसका मतलब यह कहने का हो गया कि अगर टू राइट right करेंगे तो वो क्या हो जाएगा डिसेंडिंग ऑर्डर हो जाएगा तो कहने का मतलब यहां पर सबसे बड़ा यहां पर क्या आठ बोलो हुआ, हुआ हुआ कि नहीं हुआ भाई ऐसे तो लगाओगे उसकी यहां पर कौन हुआ सबसे बड़ा नाइन यहां पर फिर कौन हो गया आठ यहां पर कौन हो गया नौ यहां पर कितना हो गया बोलो हुआ कि नहीं हुआ अब जब ऐसा बन गया तो अब इसको आपको लगाना है है मेरे भाई अब इसको आपको लगाना यहां पर क्या फिर से क्या कहा तो इस प्रकार बनाई गई को बाएं से दाएं मतलब अब यहां से ऐसे लगाना है कितनी संख्या है पांच संख्या लगाओगे तो यहां पर उसने कहा अवरोही क्रम मतलब क्या घटते क्रम में तो मेरे भाई यहां पर सबसे बड़ा आएगा सबसे बड़े कौन है चूंकि सबसे बड़ा कौन है यहां पर नाइन से शुरू होने वाला नाइन से शुरू होने वाला बोलो क्लियर है बात अब निशाना ताको किसी किसी चाहिए तुमको तो यहां पर क्या है बाई से मतलब से थर्ड आपको चाहिए यहां से ये लेफ्ट से क्लियर है बात करें यहां पे फिर उसने यहां पर और छोर से चौथा तो एक दो तीन चार और ये चाहिए तुमको मतलब यार मैं कहता हूं इनको गिनने की जरूरत ही नहीं है अब क्या करें यहां पर भाई चूंकि आपको लेफ्ट टू राइट क्या लगाना है यहां पर आपको यहां पर डिसेंडिंग ऑर्डर लगाना है तो क्या करेंगे बड़े वाले नौ और नौ दो ही तो दिख रहे हैं मैंने क्या किया यहां पे लिखा नौ और जैसे ही वहां पर संख्या थी उनको घटते क्रम में लगा दिया नौ के बाद यहां पर कितना सात फिर यहां पर छह फिर यहां पर चार बोलो क्लियर है क्लियर है कि नहीं यहां पर फिर दूसरे नंबर पर यहां पर मैंने क्या लगाया नौ लगाया फिर यहां पर क्या लगाया मेरे भाई यहां पर छे फिर यहां पर लगाया तीन और यहां पर लगाया दो बोलो लगाया अब हमें केवल मतलब किससे बस इससे मतलब है खत्म बात और नौ के बाद कौन आठ आएगा तो बताओ आठ में कौन आएगा आठ पांच दो एक आएगा या आठ पांच तीन आएगा? तो मेरे ख्याल से यहां पर मेरे भाई आठ पांच छह तीन आएगा तो यहां पर मैं लिख दिया आठ भाई घटते क्रम में लगाओगे ना आठ के बाद यहां पर क्या आ जाएगा छे आ जाएगा फिर क्या आएगा पांच फिर क्या गा? तीन मेरे भाई बोलो क्लियर है बात करनी यहां यहां पे अब आइए क्या बोला था? उसने बोला था था उसने कि बाएं से तीसरे संख्या के दूसरा अंक पर कौन है मेरे भाई छे कौन है छे. और दाएं से चौथी संख्या के दाएं से चौथी संख्या के यहां पर संख्या तीसरा अंक मतलब कौन है दो की बात कर रहा था क्या करना है इनका योग क्या हो जाएगा यही तो यहां पर कह रहा था ना यही आंसर है ना पहले क्या हो रहा है मेरे भाई असेंडिंग में हो रहे हैं अरे कुछ ना कुछ भाई साहब गर्मी का ही असर है आप कह लो यार गर्मी का ही असर है मतलब जो असेंडिंग उसे आप डिसेंडिंग लग रहा है ना तो 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 तो, तो क्या ही बोलूँ मैं आप है ना ठीक है ठीक है एक बात बताना मुझको एक बात मुझको बताना आ, यहां पर जो उसने आपको असेंडिंग कहा है स्टार्टिंग में देखो यहां पे अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर विद इन द नंबर फ्रॉम राइट टू लेफ्ट है ना राइट टू लेफ्ट का मतलब क्या होता है मेरे भाई असेंडिंग का मतलब यहां से छोटा बड़ा बड़ा तो यहां से मैंने क्या किया उल्टा लगाया बड़े से छोटा लगाया कोई दिक्कत है बड़े से छोटा लगाया तो यहां पर अगर मैं लगाऊंगा भी इसको तो कैसे लगाऊंगा आठ छः पांच तीन लगाऊंगा यहां पर नौ सात छः चार लगाऊंगा यह बात तो क्लियर है असेंडिंग फ्रॉम राइट का मेरी बात को समझो मेरी बात को यहां पर समझो ये आपने कर लिया ये आपने कर लिया मैं आपको करके दिखा देता हूं मेरे भाई एक बात बताना राइट टू लेफ्ट उसने कहा है कुछ लोग यहां पर कह रहे हैं मैं आपको बताता हूं इफ द द डिजिट ऑफ ऑल नंबर्स आर बी अरेंज इन इन असेंडिंग ऑर्डर विद नंबर फ्रॉम राइट टू लेफ्ट तो राइट टू लेफ्ट अगर आपको लगाना है विद इन द नंबर लिखा है मतलब कहने का यहां पर संख्याओं के अंदर आपको ऐसा करना है तो ये जो आपका लिखा है पांच आठ तीन छह लिखा हुआ है तो यहां पर क्या करेंगे ये आपका राइट टू लेफ्ट क्या तीन हो जाएगा छह हो जाएगा पांच और ये कितना आठ यही तो होगा बोलो होगा कि नहीं होगा जल्दी से बताओ होगा या नहीं होगा भाई तीन के बाद सॉरी यहां पर तीन के बाद यहां पर कितना पांच और फिर यहां पर यही तो होगा ना हाँ सर होगा ठीक है होगा या नहीं होगा जल्दी से बताओ मुझको ठीक है होगा तो आठ छह पांच तीन यहां पर ही आया कि नहीं आया सबसे बड़ा जो नंबर था वो आपने यहां पर क्या देखा था आपने सबसे बड़ा नंबर देखा था नौ इसमें आ गया नौ इसमें आ गया और यहां पर कितना था बड़ा नंबर आठ था आपका ठीक है ना अब नौ छे तीन दो यहां पर क्या है नौ सात छ चार नौ सात छह, चार के बाद नौ छह तीन दो बिल्कुल सही है हाँ तीसरे नंबर पर यहां पर कौन आ जाएगा आठ वाला आ जाएगा जिसकी आठ शुरुआत यहां पर हुई है ठीक है ना तो बोला है. Uh, उसने ये कहा था कि बाएं से तीसरी संख्या मतलब यहां पर ये यह हो गई आठ एट सिक्स फाइव थ्री कौन सी हो गई मेरे भाई एट सिक्स फाइव थ्री ये वाली एट सिक्स फाइव थ्री हाँ हो गया फिर राइट right से उसने चौथा बोला यहां पर क्या नाइन स थ्री टू तो नाइन सिक्स थ्री टू यहां पर ये यह हो गया अब उसने क्या कहा है अब उससे ये निकाल लो तो बाएं से तीसरे संख्या के दूसरा अंक यहां पर कौन हो रहा है छह हो रहा है ठीक है ना और फिर क्या बोला दाएं छोर से चौथी संख्या के तीसरा अंक मतलब कौन हो रहा है ये हो रहा है तीन हो रहा है ठीक है तो यहां पर कितना हो गया छे और तीन यहां पर कितना आंसर नौ आ तो रहा है क्या दिक्कत है भाई सही था मेरा मेरे भाई इस बात समझो मेरे भाई मेरा बिल्कुल यहां पे सही था लेकिन आप पता नहीं क्या उसको गलत कर रहे थे ठीक है ना क्या आप गलत कर रहे थे सो आंसर यहां पर क्या आ जाएगा छह और तीन नौ आंसर यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर गिरा आंसर बताएंगे हाँ सिक्स प्लस थ्री बिल्कुल सही है कोई बात नहीं कोई बात नहीं मुझे कोई दिक्कत नहीं आप करो आराम से ठीक है ना तो बिल्कुल यहां पर फटाफट इस प्रश्न का आंसर बताएंगे जितने लोग यहां पर देख रहे हैं चलिए टाइम हो गया मैं तो देख ही नहीं पाया मेरे भाई ठीक है ना तो ये काम करो यार ये जो क्वेश्चन आपका ये होमवर्क के लिए है ये क्वेश्चन आपका होमवर्क के लिए है ठीक है ना आप इसे होमवर्क में करना बाकी हम कल मिलते हैं और अच्छे क्वेश्चंस को लेकर के यहाँ पे ठीक है ना और आप लोग बस कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का आंसर आप यहाँ पर कर देना ठीक है ना हाँ मेरा सही था वो मैं आपको फिर से बता रहा हूँ ठीक है तो इसका आंसर आप होमवर्क में कर देना ठीक है और पेशेंस बनाने की बहुत जरूरत है आई बी का भी नोटिफिकेशन आउट हो चुका है अब तो मेरे भाई आपको केवल तैयारी करनी है केवल यहाँ पर प्रिपरेशन करनी है दम लगा के प्रिपरेशन करनी है ठीक है ना तो चलिए कोई बात नहीं यहाँ पर और आपका साथ बहुत जरूरी है और इसके साथ साथ बस यही कहूँगा मेरे भाई विश्वास बहुत जरूरी है ठीक है ना हेजिटेट होने की जरूरत नहीं है और यहाँ पर कॉन्फिडेंस दिखाना है आपको लाइफ में हमेशा वही आगे जाता है जिसके पास कॉन्फिडेंस होता है तो आज के लिए मेरे भाई इतना ही रखते हैं क्योंकि यहाँ पर अगले सर की भी क्लास यहाँ पर शुरू होने वाली है ठीक है ना बाकी मिलते हैं हम लोग यहाँ पर कल इसी समय पर और बिल्कुल यहाँ पर एक नई होप के साथ सो थैंक यू सो मच गाइस सेशन को शेयर कर देना ठीक है ना लाइक like कर देना सब्सक्राइब कर देना अगर जिसने नहीं किया अभी तक ठीक है तो थैंक यू सो मच गाइस